नमस्कार, YouTube ज्ञान साझा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के तरफ से आप सभी के लिए जो सरकारी नौकरियों के लिए अपेक्षा कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल में 125,000 कर्मियों को लिया जाएगा। ये आज का न्यूज़पेपर प्रभात खबर का न्यूज कटिंग है जिसको मैं आपके समक्ष लाया हूँ। बंधुओं, ये जो 125,000 कर्मी की जो नियुक्ति होगी, 2024 के पहले तक आपको यह देखने को मिलेगा। खासकर मैं अपने चैनल में नौकरियों के लिए शिक्षक भर्ती के बारे में ज़्यादा चर्चा करता हूँ और इसमें शिक्षक भर्ती से संबंधित भी दी हुई है। जो अभ्यर्थी वेस्ट बंगाल टेट पास किए हुए हैं उनके लिए भी यह न्यूज है, और जो वेस्ट बंगाल टेट छोड़कर अन्य भर्ती के लिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जॉब के लिए अपेक्षा में है उनके लिए भी यह न्यूज है। न्यूज में है क्या देख लेते हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अगले एक वर्ष में 125,000 सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। पंचायत चुनाव की वजह से इस पर काम रुका हुआ था, लेकिन चुनाव खत्म होते ही राज्य सरकार ने इसकी कवायद शुरू कर दी है। राज्य सचिवालय सूत्रों के अनुसार पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों के कार्यालयों में मौजूदा कर्मचारियों की संख्या की विस्तृत रिपोर्ट प्रत्येक विभाग से तलब की है। इसके साथ ही कितने पद रिक्त हैं इस बारे में भी जानकारी मांगी गई है। राज्य सचिवालय के सूत्रों के अनुसार राज्य के कार्मिक व प्रशासनिक विभाग ने यह रिपोर्ट तलब है। बताया गया है कि विभिन्न विभागों के अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, सह आयुक्त, विशेष अधिकारियों की संख्या के बारे में भी जानकारी मांगी है। सूत्रों ने बताया है कि राज्य में चल रहे डीए आंदोलन और आसन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यह आंकड़ा बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रिक्त पदों पर नए सिरे से नियुक्ति की घोषणा कर सकती है। इसके साथ ही सचिव रैंक के अधिकारियों की पदोन्नति कर राज्य सरकार के विभिन्न लंबित कार्यों के जल्द पूरा करने के निर्देश दिए जा सकते हैं। इससे लोकसभा चुनाव के समय सरकार के कार्य का विवरण जनता के समक्ष रखने में मदद मिलेगी। सूत्रों के मुताबिक अगले एक साल के भीतर 125,000 सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति होगी। अब यहाँ पर किस विभाग में कितनी नौकरी है ये यहाँ पर बतलाया जा रहा है। प्राथमिक स्कूल में 11,000 की भर्ती होनी है, उच्च प्राथमिक स्कूल में 14,500, कॉलेज विश्वविद्यालय में 2,200, पुलिस के विभिन्न पद में 20,000 और आबकारी विभाग में, पुलिस के विभिन्न पद आबकारी विभाग में 20,000 पद है, कांस्टेबल के 3,000, विभिन्न विभागों में ग्रुप डी के 12,000, विभिन्न विभागों में ग्रुप सी 3,000, स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सक 2,000, स्वास्थ्य विभाग में नर्स 7,000, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर में 2,000, आशा कर्मी के लिए 7,000, आंगनबाड़ी कर्मी के लिए 9,493, आंगनबाड़ी सहायक के लिए 13,926 और राज्य सरकार के और विभिन्न पद के लिए 17,800 पद की वैकेंसी आएगी। तो इतने सारे वैकेंसी जो कि आपको देखने को मिलेगी। आप जो भी अभ्यर्थी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं अपने को, वो इन वैकेंसियों को नज़र रखते हुए तैयारी करें और आने वाले समय में आप यहाँ जॉब पाने में कामयाब हो। इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं तक समाप्त करता हूँ। अच्छा लगा वीडियो तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूले। बहुत बहुत धन्यवाद।